92.7 बिग एफएम पर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियाँ जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। भाई संडे की दोपहर हो और राजमा चावल जैसा लंच किया हो तो नींद आनी तो कन्फर्म है ना। ऐसी ही एक अलसाई दोपहर को फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है। हेलो, क्या हम निर्मला से बात कर सकते हैं? निर्मला मिस्टर कुमार की माँ का नाम है, मगर उनका नाम पापा के अलावा कभी किसी ने नहीं लिया। आज अचानक उनका नाम सुनकर मिस्टर कुमार हैरान हो गए और पूछा, जी जरूर, मगर आप कौन बोल रही हैं? हम शकुंतला, निर्मला की दोस्त हैं। तुम कुमार बोल रहे हो? हाँ बेटा। अरे शकुंतला आंटी, आप? मिस्टर कुमार ने झट से पहचान लिया। भाई मिस्टर कुमार के पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे, इसी कारण से दादी माँ कभी भी एक जगह टिक नहीं पाती थी। अब जब वो एक जगह टिक नहीं पाती थी तो उनके कभी दोस्त नहीं बनते थे। वक्त की पाबंदी उनको अपने आसपास के लोगों से जान पहचान तो करा सकती थी, मगर दोस्ती नहीं। जब भी बात जान पहचान से आगे बढ़कर दोस्ती तक पहुंचती, सरकारी तबादला बात बिगाड़ देता। मगर शकुंतला आंटी से उनकी दोस्ती का रंग ही कुछ अलग था। इसको ना कभी किसी जलन की दीमक ने खाया और ना ही वक्त की मार इसे तोड़ पाई। ये अलग बात है कि दुनियादारी और वक्त के मसले इनको जिस्मानी तौर पर दूर कर रहे थे। हुआ यूं कि शकुंतला आंटी के हस्बैंड को फॉरेन पोस्टिंग मिल गई थी और धीरे धीरे सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने उलझ गए कि रोज रोज के फोन कॉल कब महीनों और कब सालों में बदल गए पता ही नहीं चला। आज शकुंतला आंटी का फोन एक नई उमंग लेकर आया था। उन्होंने बताया कि वो मुंबई में किसी खास मकसद से हैं और अपनी दोस्त से मिलने आ रही हैं। मिस्टर कुमार इस रीयूनियन को यादगार बनाना चाहते थे, मगर क्या करेंगे मिस्टर कुमार। माँ, मैं सोच रहा था कि हम लोग आज शाम को नरमन पॉइंट चलते हैं, वहीं कहीं डिनर भी कर लेंगे। आउटिंग किए हुए बहुत दिन हो गए माँ। वैसे भी श्रेया बच्चों के साथ बर्थडे पार्टी में जा रही है और पापा भी तो अपने दोस्त के बेटे की शादी में गए हैं। He must be enjoying there. हम भी चलते हैं ना। आप प्लीज मना मत करना, मेरा बहुत मन है माँ। मिस्टर कुमार अपनी माँ से लाड जताते हुए कहते हैं, दादी थोड़ा हिचकिचाती है, मगर बेटे की जिद के आगे एक बार फिर माँ हार मान लेती है और फाइनली दादी माँ मिस्टर कुमार के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नरिमन पॉइंट पहुंचते ही मिस्टर कुमार एक इम्पोर्टेंट कॉल आने का बहाना करकर उनसे अलग हो जाते हैं। दादी माँ अकेले वहीं वॉक करने लगती हैं और थक कर एक बेंच पर बैठ जाती हैं। शाम का सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी एक आवाज पीछे से आकर उनको चौंका देती है। कैसी हो निर्मला? भाई तुम तो हम लोगों को भूल ही गई। शकुंतला आंटी को सामने देखकर दादी माँ खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पाई, बस उनको कस कर गले लगा लिया। कहाँ चली गई थी तुम शकुन? तुम जानती हो कितना याद किया मैंने तुम्हें? तुम्हारे बाद चाट का जैसे मजा ही चला गया था। अब नहीं खाती मैं चाट, कुछ भी वैसा नहीं करती जो तुम्हारी याद दिलाए। भरे हुए गले और नम आंखें लिए दादी माँ ने कहा, अरे पगली, हम कैसे भूल सकते थे तुझे? उल्टा हमें तो अपना वादा भी याद है, उसी के लिए तो आए हैं यहां। वादा? कौन सा वादा? अरे तेरी 60वीं सालगिरह में हर हाल में तेरे साथ होने का वादा, तू भूल गई? तुझे अब तक याद है मेरा जन्मदिन? मेरे घर वाले शायद भूल गए। कुमार को याद तो नहीं, मगर इत्तफाक देखो, वो मुझे घुमाने ले आया। मुझे लगा कम से कम उसको तो याद होगा।
खैर तुम मिल गई, 100 जन्मदिन मन गए मेरे। दादी माँ के मन में उदासी मगर जुबान पर सबके लिए माफी थी। तभी धमाका होता है बलून्स के फूटने का और पूरा कुमार परिवार दादी माँ के सामने एक साथ आता है। दोस्त को प्रेजेंट के रूप में देखकर कैसा लग रहा है माँ? ये सुनकर सब लोग खुशी के जश्न में डूब जाते हैं। मिस्टर कुमार ने आज की शाम सही मायने में अपनी माँ के लिए यादगार बना दी। दोस्तों, जिंदगी इन्हीं छोटी छोटी खुशियों की मोहताज है, इन्हें अपने और अपनों से जोड़े रखें। सेलिब्रेशन का असली मायने है सबका साथ होना। तन्हाई में जश्न नहीं होता और महफिल कभी अकेले नहीं सजती। मैं सौरभ राज जैन जल्द ही आपके सामने आऊंगा जीवन को सही अर्थ देने वाली कुछ और प्रेरक कहानियां लेकर। छोड़े जाता हूं आपको जिंदगी के जश्न को मनाते इस गाने के साथ। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम।